प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कोई कार्य नहीं कर सकते। यदि आप यहून्ना की पत्री उसका 15:5 देखें, वहाँ लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो हम क्यों प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं? कभी क्या आपने कभी इस पे विचार किया है? हैव यू थिंक ओवर इट? आपने कभी इसको सोचा है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस बात पे क्लेम करते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते? ये नहीं लिखा कि तुम बड़ी बड़े काम नहीं कर सकते मुझसे अलग होके, वहाँ लिखा है तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। तो ज़रा सोचिए कि इतनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कह दी, और हाउ ही क्लेम्ड, कितने अथॉरिटी के साथ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल को देखें, उनकी सेवकाई को देखें, तो हम देखते हैं कि दो विशेष बातें उनके जीवन में हमें देखने को मिलती हैं उनकी सेवकाई में। पहला, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार, द क्लेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, और द टीचिंग्स, द मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की जितनी शिक्षाएं थी, उन सभी शिक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह के टीचिंग्स के साथ आप उसके अथॉरिटी को भी देख सकते हैं। तो ये दो बातें बहुत विशेष हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देख सकते हैं। अब आप यदि देखें कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में क्या क्या संदेश थे, जैसे प्रेम करो, प्रभु कहते थे दया करो, क्षमा करो, नम्रता से जीवन जीना, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के मैसेज में, उसकी शिक्षाओं में हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कि प्रभु यीशु मसीह के अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब बात करते थे, प्रभु यीशु मसीह की जो टीचिंग्स हैं उसके साथ साथ हम उसके अधिकारों को, उसकी अथॉरिटी को हम प्रभु यीशु मसीह की बातों में पाते हैं। और सच में जैसे कि यूहन्ना उसका 14:4 और उसके 6 में लिखा है, John 14:6 में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु मसीह बड़ी अथॉरिटी के साथ कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और ऐसे ही हम यूहन्ना 8:12 और उसके 12 में देखें, वहाँ लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कितनी अथॉरिटी और कितना अधिकार है प्रभु यीशु मसीह की बातों में। और सच में मैं जब परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ, ये तो ये बात मुझे देखने को मिलती है, और आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि ज़रा इस स्टेटमेंट के ऊपर, आप इन वाक्यों के ऊपर थोड़ा गहन अध्ययन करें, और अपना अटेंशन आप इस वाक्य पे दें कि कितना अधिकार और अथॉरिटी के साथ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना की पत्री 15:5 में आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के ये जो वाक्य है, सच में इसमें बहुत अधिकार देखने को मिलता है। हम क्यों प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, इस बात को आप सोचिए। क्योंकि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा उदाहरण एक हमारे परमेश्वर के साथ रिलेशन को लेकर, परमेश्वर ने एक प्लांट, एक पेड़ को यदि हम देखें तो उसका उदाहरण लेके हमें समझाया है। एक प्लांट, एक पौधे का एक एग्जांपल होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, स्पेशली इन पद को, तो यहाँ पे एक पौधे, एक पेड़ के विषय में बताया हुआ है किस तरह से प्रभु यीशु मसीह दाग लेता है और हम डालियाँ हैं और हम कनेक्ट रहते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें कनेक्ट होके चलना है, बन के चलना है। तो लेट्स लुक एट वन एग्जाम्पल। एक पौधा, एक पेड़ को आपने देखा होगा जिसको सूर्य की अधिक आवश्यकता है, और एक वैज्ञानिक पद्धति से यदि हम इसको पढ़ें तो वहाँ पे एक क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और इसे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसके द्वारा पौधे जीवित रहते हैं। जी हाँ,
ये जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही जीवित रहते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रभु ने समझाया कि इसको हम आगे देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस, फोटो इट मींस लाइट एंड सिंथेसिस पुटिंग टुगेदर। सो एक पौधा, उसकी बनावट को आप थोड़ा देखिए कि जो उसमें पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, उसमें छोटे 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 उसमें होल्स होते हैं और उन होल्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, और जो उसमें स्ट्रक्चर होते हैं, लाइनिंग्स होती हैं, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और जो जहाँ से वाटर सप्लाई होती है, जहाँ से वाटर सप्लाई होती है, पेड़ तक पहुँचता है पानी, वो वेसल्स होते हैं। अब आवश्यक है पौधे को फोटोसिंथेसिस की जो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिससे पौधे जीवित रहते हैं, पौधों को खाना मिलता है, उसको भोजन मिलता है, ये प्रक्रिया तीन बातों पे निर्भर करती है। उसके लिए तीन विषय बहुत आवश्यक हैं। पहला सूर्य का प्रकाश, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द थर्ड मेन थिंग इज वाटर। ये तीन जो चीज़ें हैं, ये एक पौधे के लिए उसके जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जिसके द्वारा ये पौधे जीवित रहते हैं, ये आवश्यक है कि उनको तीनों चीज़ें समय पे मिलने पाए। और यदि हम आगे बढ़े तो देखेंगे कि जो पत्तियों में ग्रीन कलर होता है आप देखते हैं, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो पत्ती में ग्रीन कलर इसलिए होता है ताकि वो जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। और जो छोटे छोटे होल्स होते हैं पत्तियों में, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन जीवन के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। यदि जो पौधे हैं इनको सनलाइट ना मिले तो क्या होगा? यदि इनको सनलाइट नहीं तो ये पौधे एक दिन मर जाएंगे। एक और विशेष बात जो मैं इस फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसके विषय में बताऊंगी। इस प्रक्रिया में जो पौधे हैं वो अपनी ऊर्जा संचय करते हैं, और वो जब ऊर्जा उनकी संचय होती है तो उसको हम फलों में देख सकते हैं, उसकी ऊर्जा को हम फलों में अनुभव कर सकते हैं, देखते हैं। और कई प्रकार की हम ऐसी सब्जियां खाते हैं जो रूट्स वेजिटेबल हैं, जैसे आलू हो गया, गाजर हो गई, तो वो उनकी ऊर्जा के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये पौधे थोड़े समय तक, तो जब तक इनको सनलाइट नहीं मिले, सूर्य का प्रकाश नहीं मिले, ये जीवित रह सकते हैं, ये अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा को संचय करके चलते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये पौधे नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार है। हम, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अभी चल रहे हैं, या हम थोड़े समय के लिए चले प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन में, लेकिन आवश्यक है कि हम उसके साथ निरंतर बने रहें, उसकी संगति में हम निरंतर बने रहें, ये आवश्यक है। क्योंकि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने नहीं रहेंगे तो एक दिन उस अलगाव के कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ेंगे। और ये इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे पेड़ और पौधों से हमारे और पर प्रभु यीशु मसीह के रिलेशन की तुलना की है। इसलिए बहुत समझना आसान है हमारे लिए यदि हम पौधों के लाइफ को समझ जाएं कि किस तरीके से पौधे जीवित रहते हैं। अगर सच में वेसल्स ना हो, उनको प्रॉपर वाटर सप्लाई ना हो, और उनको सूर्य का प्रकाश टाइम पे ना मिले, और तो वो बढ़ेंगे नहीं, आप उनका आनंद नहीं ले सकते। और आप देख सकते हैं कि ये पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं उनके ऊपर जानवर भी निर्भर हैं, इवन हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम भी उन पे निर्भर हैं। इसलिए आवश्यक है कि उनको सूर्य का प्रकाश निरंतर मिलता रहे। सो लेट्स सी हाउ लाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ तो हमने देखा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो सच में पेड़ पौधों के लिए, उनके ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि सूर्य जो लाइट है वो हमारे लिए कैसे आवश्यक है। चीजें, सबसे बड़ी बात कि यदि लाइट नहीं होगी, आप इमेजिन करें, आप एक रूम में हैं, आप एक ऐसे रूम में हैं जहाँ पे पूरा अंधेरा है,
और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। और सोचिए कि आपके आसपास बहुत सारी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। चूंकि अंधेरा होने के कारण आप उसको देख नहीं पा रहे, तो ये निश्चित है कि अच्छी चीज़ें आपके आसपास होते हुए भी आप उनको ना महसूस कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप तक वो लाइट, वो प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम अगर अंधेरे कमरे में हैं या हम डार्क में हैं तो हम ठोकर खा सकते हैं, हम गिर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि हम खुद को हार्म कर सकते हैं, हम खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। चौथी बात, हमसे सही चुनाव नहीं होगा। सपोज आपके सामने बहुत अच्छी खाने की वस्तुएं रखी हैं और दूसरी तरफ आपके पास कुछ ऐसी वस्तुएं रखी हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो हो सकता है कि आपके अगर अंधेरा है तो आप ऐसी चीज को उठा करके खा लें जो आपको पसंद नहीं है। तो ये क्यों है? क्योंकि आप तक प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए हमारे जीवन में लाइट की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम समझेंगे इसी प्रकार कि हम बढ़ सकें और हमें सही डायरेक्शन मिल सके। बिकॉज लाइट इज द कनेक्शन बिटवीन अस एंड दिस यूनिवर्स। क्योंकि जो प्रकाश है वो इस ब्रह्मांड से हमें कनेक्ट करता है। यदि हम प्रकाश में ना हो तो हम कोई भी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को होते हुए भी हम उसको महसूस नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जीवन में प्रकाश बहुत आवश्यक है, ना ही सिर्फ पेड़ पौधों के लिए, हमारे जीवन में भी प्रकाश बहुत आवश्यक है। और अभी मैं सिर्फ आपको ये प्रकाश के विषय में समझा रही हूँ और मेरा जो समझाने का मतलब है वो मकसद सिर्फ ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह की जो अथॉरिटी है, प्रभु यीशु मसीह की जो अधिकार है, जिस अधिकार से वो आपसे कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, उसको आप बहुत गहराई से समझ सकें कि क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किस अधिकार से प्रभु यीशु मसीह ने सेंटेंस को अपने वचन में इस्तेमाल किया कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम अभी इसी पे अध्ययन कर रहे हैं और हम देखेंगे कि प्रकाश, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। एक ये भी एक वैज्ञानिक पद्धति है, शायद आपने पढ़ा होगा, कुछ फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे तो वो जानते होंगे कि लाइट में प्रकाश का एक नियम होता है, परावर्तन नियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें क्या होता है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज लाइट इज अ मैग्नेटिक वेव, इट्स इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये ऑब्जेक्ट पे काम कार्य करती है। सपोज आप सूर्य को नहीं देख सकते लेकिन सूर्य के द्वारा आप अपने आसपास की मौजूद चीजों को देख सकते हैं। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी, आप उसको, यदि आपके घर में लाइट नहीं है आप उसको, ये खनक सी आप देख नहीं सकते, लेकिन यदि आप जब उसके ऊपर टॉर्च डालेंगे, पूरे घर में अंधेरा हो, आपके पास एक छोटी सी लाइट हो और आप उस ऑब्जेक्ट पे डालेंगे तो वो आपको दिखेगा, वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु, वो विशेष चीज आपको दिखेगी। क्योंकि लाइट रिवर्ट होके, बाउंस होके आपको, आप ऑब्जेक्ट पे जाती है और आपको अपना प्रतिबिंब आपको दिखाती है कि हाँ ये मैं यहाँ हूँ, मैं मौजूद हूँ। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लाइट। अगर हम वैज्ञानिक पद्धति से देखें तो हम लाइट की इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं कि व्हाई लाइट इज इम्पोर्टेंट। हम जानते हैं कि लाइट हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, हम अन्य बातों को जानते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि लाइट कैसे काम करती है, हाउ इट वर्क्स, कितना उसका स्पीड जो है, द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट, जो सबसे तेज गति है वो प्रकाश की गति है। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अभी आप देखेंगे यूहन्ना की पत्री उसका 8 अध्याय 12 पद में लिखा है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड,
यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह क्लेम करते हैं अपने अधिकार के साथ इस बात को रखते हैं कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह इस जगत की, इस संसार की ज्योति है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, वी कैन नॉट सी द थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास की चीज़ों को हम देख नहीं सकते, हम महसूस नहीं कर सकते, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। शायद हो सकता है हम अपनी इन आँखों से थोड़े समय हम देख सकते हों, लेकिन एक्चुअल में जो हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण से जब हम उन चीज़ों को देखेंगे तो वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाएगी, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन सकती हैं। तो हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह जो है वो इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होके काम नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट जीसस क्राइस्ट, ही क्लेम दिस। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो कहते हैं कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ, मैं संसार की ज्योति हूँ। सच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अपने सब चीज़ों को जो हमारे आसपास से हम स्पष्ट रूप से उनको देख सकते हैं। जैसा कि पौलुस कहते हैं फिलिप्पियों उसका 4:13 में, जो मुझमें सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझमें सामर्थ्य देता है। हम अपनी सामर्थ से, हम अपनी सोच से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है उसकी शिक्षाओं के द्वारा, उसके साथ जुड़े रहने के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। उसी सूर्य के समान, जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया कि हम उस सूर्य को देख नहीं सकते, लेकिन उस सूर्य की सहायता से हम सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। उस सूरज के प्रकाश की सहायता से हम चीज़ों को देख सकते हैं। So the teachings of Jesus reflect on you. इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट करती हैं, और जब वो हमारे जीवन में उसकी शिक्षाएं रिफ्लेक्ट करती हैं तो हमारे जीवन में जितने भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं हमारी लाइफ में, जैसे टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, वर्क प्लेस जहाँ पे हम कार्य करते हैं, अगर हम जवान हैं तो हम एक यूथ के लिए अच्छा मैसेज है कि हम करियर को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस दिशा में हमें जाना है। इसलिए सारी चीज़ जो भी परमेश्वर ने हमें हमारे लाइफ के अलग अलग हिस्से दिए हैं, जो महत्वपूर्ण हमारे लाइफ के हिस्से हैं, हमें उनको देखना है, हमें उनको ऑब्जर्व करना है, लेकिन किसके द्वारा? जैसे पॉल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा, जो मुझमें सामर्थ्य देता है मैं उसके साथ कर सकता हूँ। और यहाँ पे जब आप इस वर्स को पढ़ें तो आप भी याद रखिएगा कि सूरज को आप देख नहीं सकते, लेकिन सूरज की प्रकाश की सहायता से आप चीज़ों को देख सकते हैं। एज इट इज़, जैसी वो हैं आप उनको वैसा ही देख सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जुड़ना, और प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं देख सकते, और प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यूहन्ना उसका 1:3 में लिखा है कि जो भी कुछ आप इस संसार में देखते हैं वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न है, और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई है। यदि आप यूहन्ना उसका 1:3 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा बनाने वाला है, ही इज़ अ क्रिएटर। जिस प्रकार माता पिता होते हैं अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और घर में आपके कोई भी चीज़ है तो वो आपके बच्चों के लिए है, आपके बच्चों के को आप पहले देना पसंद करेंगे। सो इसी के अनुसार परमेश्वर ने जो भी कुछ बनाया है वो आपके लिए बनाया है, लेकिन वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही है, वो परमेश्वर के द्वारा ही है। इसको हमें भूलना नहीं है, इसको हमें याद रखना है। और एक और छोटा सा एग्जांपल है मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आप एक बंद और अंधेरे कमरे में हैं, सपोज आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको चाहिए कि आपको कोई सामान उठाना है या आपको अपने रूम से कोई चीज़ चाहिए, तो आप सबसे पहले लाइट ऑन करेंगे।
क्योंकि आप अंधेरे में हो सकता है कोई गलत चीज उठा लें जो आपको नहीं चाहिए। दूसरा, यदि आप एक रोशनी भरे कमरे में हैं जिसमें अच्छा लाइट है, प्रकाश है, और आपको किसी ऐसे कमरे में जाना है जिसकी लाइट्स ऑफ हैं, जहां अंधेरा है और आपको मालूम है कि वहां अंधेरा है और यहां लाइट है, तो आप वहां जाने से पहले लाइट्स को ऑन करेंगे। आप पहले लाइट्स को ऑन करेंगे फिर आप वहां जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अंधेरे कमरे में आपको नहीं जाना है, आप ठोकर खा सकते हैं, गिर सकते हैं, इसलिए पहले आप लाइट्स ऑन करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप किसी अंधेरे रास्ते से जा रहे हो और आपके कहीं भी आसपास लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, आपकी गाड़ी में भी लाइट्स नहीं है, तो आप ज़रूर से अपने फ़ोन की टॉर्च या जो भी टॉर्च, कैंडल, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप उसको पहले चलाएंगे और उसको आगे रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप चलेंगे और आपके पीछे वाला व्यक्ति उसको लाइट को, सबसे पीछे जो है व्यक्ति वो उसको लाइट को पकड़ेंगे। आप कोशिश करेंगे लाइट आपके हाथ में है तो वो लाइट आगे रहनी चाहिए ताकि पीछे वाले लोग भी आपको अच्छे से फॉलो कर सकें। तो लाइट की ये विशेषता है कि लाइट को हम पहले फ्रंट में रखते हैं, बिकॉज वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन लाइट, हम सब प्रकाश पे निर्भर हैं, हम प्रकाश के बिना अंधेरे में हम कोई भी जाना पसंद नहीं करते। इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही? Why he said like that? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस वाक्य को, इस स्टेटमेंट को यूज़ किया? क्योंकि जब हम प्रकाश के गुण को समझेंगे तब हम प्रभु यीशु मसीह के इस वाक्य की महत्वपूर्ण गहराई को समझ पाएंगे कि वो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। हम उस पर निर्भर हैं। हम सच में ऐसी कोई भी जगह हो या ऐसा कोई भी निर्णय हो जो हमें नहीं पता उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस निर्णय के बाद, तो हमें आवश्यकता है कि वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हो, उसकी शिक्षाएं हमारे जीवन में, और उसकी शिक्षाएं उसके वचन से हैं, उसकी शिक्षाएं उसके वचन से हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं आपके जीवन में होंगी तो वो आपको लीड करेंगी, वो आपको गाइड करेंगी, और कोई भी निर्णय आपको लेना होगा तो वो आपकी सहायता करेंगे। यर्मिया के पत्री उसका 10:23 में कुछ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग यानी स्टेप्स उसके अधीन नहीं है। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, एंड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात का हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, क्या ऐसी विशेषता है लाइट में, क्या ऐसी विशेषता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जो तुलना है वो हमारे जीवन की, हमारे उसके साथ रिश्ते की जो तुलना है वो उसने इस प्रकार से की है कि तुम मेरे बिना रह नहीं सकते। जिस प्रकार डालियाँ अगर दाखलता के साथ अटैच ना रहें तो वो नष्ट हो जाएंगी, वो सूख जाएंगी। जिस तरह से मैंने अभी आपको समझाया बताया कि एक पौधा ऊर्जा को संचय करता है, और हो सकता है उसको एक दिन दो दिन सूर्य का प्रकाश ना मिले तो वो चल सके, लेकिन बट वन डे इट हैज टू डाई, एक दिन वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। इसी के अनुसार हमारा जीवन है। हो सकता है हम पिछले एक महीने, दो महीने या कुछ साल प्रभु के बिना रह सकें, यीशु के बिना रह सकें, लेकिन एक दिन हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को अपने जीवन में फेस करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि क्यों हमारे जीवन में आज परमेश्वर की भलाइयों को हम नहीं महसूस कर सकते। क्यों? क्योंकि आज हम उससे, हमारे जो रिलेशन है वो उससे ब्रेक हो चुका है। ही इज नॉट इन मी, प्रभु कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। एक दिन हमें उसके परिणाम को अपने जीवन में महसूस करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमें लौट के आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या कारण है, क्यों नहीं परमेश्वर को उस तरीके से अपने जीवन में महसूस कर पा रहे। बिकॉज हम उसकी जो भलाइयाँ हैं उनके साथ साथ हमें उसकी अथॉरिटी पे भी ध्यान करना पड़ेगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार हमारे ये जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में ब्लड
इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो रक्त है वो हमारे बॉडी में बहुत बहुत आवश्यक है, हम सब जानते हैं. और ब्लड की के विषय में इस तरफ सोचिएगा कि जो रक्त है वो आपकी बॉडी में किस तरीके से कार्य करता है. हम सोचते हैं कि ब्लड है, ठीक है, उसके वो ऑक्सीजन ब्लड में होती है और वो बॉडी में फ्लो करता है. लेकिन जब हम अब इसको और अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो शरीर में आपके रक्त वाहिनियाँ हैं, जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनको अगर आप जोड़ें तो वो लगभग इतनी लंबी हो जाएंगी कि इस संसार के 3 बार परिक्रमाएं कर लें. वो लगभग उनको जोड़ें तो वो इतनी लंबी हो जाएंगी, करीब लगभग 1,20,700 किलोमीटर लंबी. इतनी आपके अंदर जो रक्त वाहिनियां उनको अगर जोड़ें तो वो उसकी लेंथ इतनी होगी. और ये बहुत हमारे शरीर में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रक्त वाहिनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमारे मस्तिष्क से लेकर के हमारे पांव तक हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करती हैं. इन्हीं के जरिए ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है और हार्ट जो है हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करता है रक्त वाहिनियों के द्वारा. ये ब्लड इसके मेन 4 भाग होते हैं. इट हैज 4 मेन पार्ट्स, 4 भाग होते हैं इसके. इसका जो पहला भाग होता है वो है RBC, रेड ब्लड सेल्स के नाम से, RBC के नाम से हम जानते हैं. इट कैरीज ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन होता है, फुल ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड पार्ट इज WBC, वाइट ब्लड सेल्स. आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में ब्लड में क्यों होते हैं? ब्लड में वाइट जो WBCs होते हैं वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और ब्लड में जो हमारे छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, बीमारियां होने वाली होती हैं, हमें उससे हमें प्रिवेंट करते हैं, उससे हमें बचाते हैं और कीटाणुओं से लड़ते हैं, फाइट्स. एंड द थर्ड मेन पार्ट ऑफ ब्लड इज ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स आवश्यक है हमारी बॉडी में क्योंकि वो ब्लड क्लॉट्स को जनरेट करती, ब्लड क्लॉट्स को बनाती हैं. अगर कहीं भी हमारे ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाती है तो उसकी एक्सेस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स का कार्य यही है कि उसकी एक्सेस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लड क्लॉट्स की आवश्यकता होती है और वो उसको उससे हमें एक्सेस ब्लीडिंग से बचाते हैं. द फोर्थ मेन पार्ट इज वॉटरी प्लाज्मा. और वॉटरी प्लाज्मा ये तीनों पार्ट्स को इसके द्वारा फ्लो करता है. इन तीनों पार्ट्स वॉटरी प्लाज्मा के द्वारा हमारी बॉडी में रक्त वाहिनियों में फ्लो होते हैं, जैसे कि पूरा शरीर में हमारे ब्लड सप्लाई होता है, दौड़ता है. तो रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है. यदि रक्त हमारे शरीर के किसी हिस्से में ना पहुंचे तो वह हिस्सा डैमेज हो सकता है क्योंकि उसके सेल्स डैमेज हो जाएंगे. क्योंकि अगर वहां पर रक्त नहीं पहुंचेगा आपके किसी भी बॉडी पार्ट में तो वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे और वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. जबकि यह मस्तिष्क में अगर नहीं पहुंचता है तो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. स्वास्थ्य संबंधी और बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है. तो इसी प्रकार हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्से में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है. हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर एक हिस्से में कार्य करते हैं. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी. यही तो प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी है. इसी अथॉरिटी के साथ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं. तो ये सारी बातें, ये अलग अलग साइंटिफिक मेथड से मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए ये बहुत प्रैक्टिकल है. जिस प्रकार हम रक्त हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश या अन्य प्रकाश हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, हमारी डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है, प्रत्येक मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, उसी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक मूवमेंट के लिए ज़रूरी है. इट इज़ प्रभु आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह के में बढ़ते चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, प्रभु यीशु मसीह का वचन बाइबल और प्रभु यीशु मसीह की संगति हमारे जीवन के लिए अति आवश्यकता है.
बहुत महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं और उसके साथ कनेक्ट रहें, उसके साथ जुड़े रहें। क्योंकि वही जो मैंने आपको समझाया कि हो सकता है आपको लगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता हूँ या चल रहा हूँ somehow, बट आप अभी प्रभु यीशु के साथ कनेक्ट नहीं हैं। आप उसके साथ वैसे कनेक्ट हुई है जैसे वो आपके साथ चाहता है, जैसे वो आपके साथ बात करना चाहता है, जैसे वो चाहता है कि आप उसके साथ जुड़े रहें, जैसे सच में डालियां दाखलता से जुड़ी रहती हैं। उसके समान प्रभु के साथ कनेक्ट रहिए, हर वक्त उसके साथ कनेक्ट रहिए। सिर्फ वो ही हिस्सा नहीं जिस हिस्से में आप चाहते हैं कि वो इंटरफेयर करे, या आप चाहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की राय या प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा मेरे जीवन में कार्य करे, उस हिस्से में भी प्रभु यीशु मसीह को इन्वाइट करिए, उस हिस्से में भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को आप अप्लाई करिए जिस हिस्से में आप नहीं चाहते हैं। आप देखिए, आपको अपने आसपास की चीजें, आपको अपने आसपास के संबंध और क्लियर दिखाई देने लगेंगे। आपको सच में अच्छा और बुरा दिखाई देने लगेगा, बिकॉज ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो इस संसार की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि मैं जगत की ज्योति हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अथॉरिटी के साथ कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, बिकॉज लाइट कम्स फ्रॉम गॉड। क्योंकि हर एक अच्छी चीज वो परमेश्वर की ओर से, और वो जब आपके जीवन में आती है तो आपके जीवन की हर एक बात चमक उठती है। जिस प्रकार प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो वस्तु चमकती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसका वचन वो जब आपके जीवन में कार्य करता है तो आपके जीवन के हर एक हिस्से को चमका देता है, और फिर लोग देखते हैं, फिर लोग आपसे आशीषित होते हैं। पीपल विल ब्लेस बाय यू, सच में लोग आपके द्वारा बहुत आशीषित होंगे। और एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हों किसी विशेष कारण से, और आपको लगता है कि अब मेरा कारण पूरा हो चुका है, या जिस उद्देश्य के साथ मैं यीशु के साथ जुड़ा था बस वो मेरा काम पूरा हो गया है, और अब मैं अपने रास्ते, अपने अकेले, अपने निर्णय खुद स्वयं निर्भर होकर ले सकता हूँ, अब मुझे प्रभु यीशु की आवश्यकता नहीं, या मुझे संगति की ज़रूरत नहीं, या मुझे वचन की ज़रूरत नहीं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर विशेष उद्देश्य के कारण आप उसके साथ जुड़े हों। तो आइए इस बात पे हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। मरकुस की पत्री उसका 10:52 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहाँ पे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहूंगी। इस पद को आप ध्यान से बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। मरकुस उसका 10:52, वहाँ यीशु मसीह के अधिकार को उस व्यक्ति ने जो चंगा हुआ था, जो अंधा था और जो चंगा हो गया था, देखने लगा था, और वो कहता है कि उससे यीशु मसीह कहते हैं कि तू चंगा हो गया है, तू जा। लेकिन उसने यीशु के अधिकार को अनुभव किया था, उसने चंगाई को अनुभव किया था, इसलिए वो नहीं गया। दूसरी विशेष बात, यीशु मसीह के कहने पर भी उसने यीशु का पीछा नहीं छोड़ा, वो यीशु के पीछे हो लिया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि उसे मालूम था कि अभी उसके आगे का जीवन बाकी है। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन में सिर्फ एक छोटे से उद्देश्य के लिए नहीं है, वो चाहते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में फुलफिल हो। जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी है, अभी लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचे हैं, और जो इस सांसारिक यात्रा के बाद हम उस अंतिम स्थान पर पहुंचे जो प्रारंभ से परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है, और समय है कि हम उसकी ओर देखें, वो हमारे लिए लक्ष्य है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी हमारे पास लंबी यात्रा है, और उस लंबी यात्रा को पूरा करने के लिए वी नीड जीसस क्राइस्ट, हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक सत्य है। और यदि मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने इस सत्य को सुना है, और इस सत्य को जरूरी है कि ग्रहण करना, दो बातें महत्वपूर्ण है, सत्य को जानना और फिर सत्य को ग्रहण करना। तो इन बातों पे आप विचार करें कि प्रभु यीशु मसीह किसी
छोटे से उद्देश्य के लिए आपके जीवन में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपने एक बड़े उद्देश्य के लिए आपके जीवन में, और उस उद्देश्य को जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह के जो अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह की जो सच्चाई है, उसकी ओर मन लगाएं, उसको देखें कि यदि प्रभु यीशु ने ये कहा है कि तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते, तो उसके पीछे ये रीज़न है, उसके पीछे ये कारण है कि सच में हम प्रभु यीशु से अलग होके कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार ये जो रक्त है, ये हमारी रक्त वाहिनियों में बहता है, अगर ये किसी अंग में जाना बंद कर दे तो वो अंग हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे जीवन के किसी भी हिस्से में नहीं है तो वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। इसको विचार करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ को की गाड़ी को आगे लेके जाए, क्योंकि उससे अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते। मे द लॉर्ड हेल्प टू सी यू ट्रुथ एंड एक्सेप्ट इट। प्रभु आपकी सहायता करें कि आप उस सत्य को जानने के बाद उसको स्वीकार सकें। स्वीकारना बहुत आवश्यक है, यही तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके साथ जुड़े रहें और हम उसकी भलाइयों के साथ हमेशा बंधे रहें, यही तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। और सच में जिस प्रकार माता पिता कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमसे अलग हो के कुछ करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अलग हो के कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हम उससे अलग हो के ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हम आज से, अभी से उस अंधे व्यक्ति की नाई जो जान के प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को अनुभव करके यीशु के पीछे हो लिया, आज आपके पास समय है कि आप प्रभु यीशु के विषय में, उसके अधिकारों के विषय में जान के उसके पीछे हो लीजिए। दिस इज द टाइम फॉर यू।